बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आमिर भट्ट और आप देख रहे हैं सिटी फाइव टीवी। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस की तरफ। खबर शामिल करेंगे वजीराबाद से। जिले सदर मुस्लिम नून जनाब मुस्तनसर अली गोदर ने कहा है कि मुल्क के नाम नहाद मुहाफ़िज़ों से मुल्की मुस्तकबिल और जमहूरियत को बचाने के लिए हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना होगा। मौजूदा हुकूमती क़यादत मुसल्लत किए गए नाअहल अफराद का एक टोला है जिनकी नाअहली से मुल्क निज़ामी खतरात से दोचार हो रहा है। तमाम मुल्की शुबहात मुसलसल ज़वाल पज़ीर हैं। PTI में तमाम सियासी जमातों को इस हसारे से निकलकर अपनी शिनाख्त बनाना होगी। उनका मजीद क्या कहना था आइए आपको समझते हैं। वजीराबाद इंतखाब अगर हुकूमती किसी अगर ओहदेदार ने और इंतजामिया बदल के अगर कोई ये सोच ले कि हम रिजल्ट बदल देंगे, वजीराबाद बार का 1000 इंशाल्लाह वकीलों का जो काफिला है और मैंने ये फैसला कर लिया है कि सियालकोट के वकील, गुजरात के वकील, मंडी बहुद्दीन के वकील और हाफसाबाद के वकील और पंजाब के वो कला उस दिन इधर आ रहे हैं और हमने ये फैसला कर लिया है कि हर कुवत से जो है टकरा जाएंगे अगर किसी बंदे ने जुर्रत की रिजल्ट बदलने की, रिजल्ट में इंटरफेयर करने की, तो वो मुशर्रफ नहीं बर्दाश्त उससे हुआ था। ये जो जमात है या अगर कोई सरकारी एहलकार अगर पर्सनल टेस्ट लेके अगर जमात मेरी के फैसले को, अवाम के फैसले को और वजीराबाद की अवाम के फैसले को बदलने की अगर जुर्रत की किसी ने तो फिर वजीराबाद में दम मस्क लंदर होगा। ये नहीं हो सकता इंशाल्लाह। सिटी फाइव में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए सिटी फाइव टीवी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मत भूलिए हमारा पेज लाइक करना। सिटी फाइव टीवी, आमिर भट्ट को इजाजत दे अल्लाह के बाद।